नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साल 1979 से अफगानिस्तान में चला गृह युद्ध 1989 में सोवियत सैनिकों की हार और वापसी के साथ खत्म हो गया। अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, जबकि चीन में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था और सऊदी अरब से उन्हें आर्थिक सहायता हासिल हुई थी। कुल मिलाकर सोवियत संघ बेइज्जत होकर वापस लौट गया। इसके बाद मास्को ने मुस्लिम देशों से अपने रिश्ते बहुत सीमित कर लिए और वहां के नेताओं को समझ में आ गया कि मुस्लिम देश सामने से कितने भी भोले दिखाई देते हों, उनके भीतर दगाबाजी के कीटाणु हमेशा ताकतवर रहते हैं। लगभग 3 दशकों तक मास्को ने मुस्लिम देशों के साथ सिर्फ सामान्य रिश्ते ही बनाए रखे और अपने पुराने मित्र भारत के साथ संबंधों को और घनिष्ठ करने पर काम किया। लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर से मुस्लिम देशों पर भरोसे का शिकार हो गए हैं और अब रूस का ही भविष्य दांव पर लगा दिया है। वह ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों की चाल में फंस चुके हैं। ये वे देश हैं जो अपने बाप तक के सगे नहीं हुए हैं, पर रूस उनसे नजदीकी बढ़ाकर अमेरिका के मुकाबले में खड़ा होने का ख्वाब देख रहा था। यही नहीं, वह फिर से उस चीन के गाल सहला रहा है जिसने 3 दशक पहले उसे गहरे जख्म दिए थे। चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब आज भी गहरे यार हैं, वहीं पाकिस्तान और तुर्की भी पुराने मित्र हैं जिनके बीच आज भी मजबूत रिश्ता बना हुआ है। इन चारों देशों के साथ 2 दशक पहले तक रूस का कोई विशेष संबंध नहीं था, उसके यह संबंध सिर्फ कारोबार तक ही सीमित थे। इनमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तो अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर ज्यादा मशहूर है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इनमें रूस का भविष्य देखने की बड़ी गलती कर दी है। यूरोपीय मुस्लिम देश तुर्की, जिसके तानाशाह के रूप में रेसेप तैयब एर्दोगन सत्ता पर आसीन हैं, पूरी साजिश के मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहे हैं। मजे की बात यह है कि वह उस नेटो के बड़े सदस्य हैं जो रूस के खिलाफ ही खड़ा किया गया है, मगर पुतिन उसी तुर्की को आज शुभचिंतक की लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि वे ऐसा करके नेटो को दो फाड़ कर सकते हैं, मगर इस चक्कर में रूसी फाड़ फाड़ होने लगा है। वह केवल पश्चिमी देशों की साजिश का ही शिकार नहीं हो रहा है, बल्कि मुस्लिम देशों की दगाबाजी से भी मात खाने वाला है। पिछले 2 सालों में पुतिन ने मुस्लिम देशों को रिझाने के लिए इस्लाम पर कई बयान दिए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा गधैया नृत्य पाकिस्तान में हुए हैं। इस देश की जनता के पास तहमद का मैल निकालने के लिए भी साबुन तक के पैसे नहीं है, पर इस्लाम के नाम पर यह तशरीफ पर घी जरूर लगाने लगते हैं। पुतिन ऐसे बयान देकर रूस को मुसलमानों का दोस्त साबित करना चाहते थे, पर इन्हीं मुस्लिम देशों ने मुश्किल घड़ी में रूस को संतावना देने से ज्यादा कुछ नहीं दिया है। तुर्की तानाशाह एर्दोगन ने रूस के साथ डबल गेम की शुरुआत की हुई है, जिसमें एक तरफ ये मुल्ला यूक्रेन की संप्रभुता को समर्थन और हथियार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल नहीं होकर कहीं न कहीं रूस को खुश भी कर रहा है। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति से धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहता है, यानी न तेरे नाप का न मेरे नाप का, मैं पायजामा पहनूंगा अपने बाप का। तानाशाह एर्दोगन इसी नीति पर चल रहा है और अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस को मीठे जहर से धीरे धीरे तबाह कर रहा है और उसका असली बाप उसे ऐसा करने का निर्देश दे रहा है। तुर्की का ऐसा करने के कई खतरनाक मकसद है। वह सीरिया और दक्षिण काकेशस में रूस का प्रभाव कम होने के अंतर को भरने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यही नहीं, 2008 में जॉर्जिया युद्ध के बाद से तुर्की काला सागर में रूसी विस्तार से खतरा महसूस कर रहा है। तुर्की को आभास है कि कैसे कदम दर कदम रूस बफर राज्यों पर नियंत्रण हासिल करता चला गया है। तुर्की ने बेहद ही चालाकी से रूस के खिलाफ आवाज उठाने वाले काला सागर देशों, यानी यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, रोमानिया और मोलदेवा के साथ मजबूत रिश्ते बनाकर रखे हैं। रूस जहां आर्मेनिया को समर्थन देता है, वहीं तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है। नवंबर 2020 में तुर्की की मदद से अजरबैजान ने नगोर्ना कारोबाख में आर्मेनियाई लोगों को हरा दिया और रूस तुर्की की चाल में ऐसा फंसा कि वह आंखें बंद करने को मजबूर हो गया। रूस की इस रणनीति का असर उसी के खिलाफ हुआ है। अब सीरिया और आर्मेनिया में आम धारणा यह है कि तुर्की रूस को उन क्षेत्रों से अलग कर रहा है जहां हाल के वर्षों में मास्को ने भू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर रणनीतिक बढ़त हासिल की थी।
इसका मतलब यह है कि पुतिन ने रूस की गठरी में चोर लगा दिया है, जो उसे धीरे धीरे लूट कर खा रहा है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध के 200 दिन से अधिक हो चुके हैं, जहां एक तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यूक्रेन इस युद्ध में कुछ ही दिन का मेहमान है और उसकी हार लगभग तय है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं हकीकत अलग नजर आने लगी है। अब रूस एक एक कर अपने जीते इलाके गंवाता जा रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस का इस युद्ध में वैसा ही हाल होने जा रहा है जैसा हाल कभी वियतनाम युद्ध में अमेरिका का हुआ था। यह सर्वविदित है कि मजबूत रूस किसी की नहीं सुनता है, लेकिन उसके कमजोर होने का फायदा तुर्की, चीन, पाकिस्तान और पश्चिमी व यूरोपीय देशों को मिलेगा। रूस के कमजोर होने से रूसी साम्राज्यवाद के खतरे से तुर्की मुक्त हो जाएगा। रूस कमजोर होगा तो पाकिस्तान फिर से अमरीकी पाले में भाग जाएगा, जैसा कि उसने अमेरिका से रिश्ते मधुर करने भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही भारत के संकट के वक्त बड़ा मददगार बनने वाला रूस कमजोर होने पर चीन के किसी काम का नहीं रहेगा, यानी भारत के खास सहयोगी के प्रभाव में भारी कमी आ जाएगी। वहीं सऊदी अरब के तेल बाजार से एक प्रतिद्वंद्वी भी कम हो जाएगा, यानी सभी रूस को कमजोर करके अपने अपने विस्तार के मंसूबे पाल रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन सिर्फ एक खिलौना भर बनकर रह गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।